हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आईसीएसआई न्यूज़। इस वीडियो में आईसीएसआई के इम्पोर्टेंट रिमाइंडर के बारे में बात करेंगे। आप अगर सीएस एग्जीक्यूटिव या सीएस प्रोफेशनल प्रोग्राम के स्टूडेंट हो, आप एग्जाम दे चुके दिसंबर 2023 में, बहुत जरूरी रिमाइंडर आप सभी के लिए। रिमाइंडर को बताऊँ उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, आपको सीएस रिगार्डिंग सारी अपडेट हमारे चैनल दे देगा। देखिए, अगर आप सीएस एग्जीक्यूटिव या प्रोफेशनल का एग्जाम दे चुके हो और आप देख रहे हो कि वेरिफिकेशन करा लूँ मार्क्स का, क्योंकि आप अपने आंसर शीट या फिर अपनी मार्कशीट संतुष्ट नहीं हो, तो आप करा सकते हो कि जो आखिरी तारीख आ गई है 17 मार्च 2024, ठीक है, आप इसको ₹250 पर सब्जेक्ट से करा सकते हो। वेरिफिकेशन कैसे कराते हैं पूरी डिटेल में वीडियो है, उसको ज़रूर से देख लेना वेरिफिकेशन कराने से पहले, ठीक है। अगर आप वेरिफिकेशन करा चुके हो तो वापस से वेरिफिकेशन के लिए आप अप्लाई नहीं कर पाओगे। कुछ एक और अपडेट मैं आपको दे देता हूँ। अगर आप सी एस एग्जीक्यूटिव का एग्जाम देने वाले हो या सी एस प्रोफेशनल का एग्जाम देने वाले हो न्यू सिलेबस पे, तो ये अपडेट ध्यान रखना। देखो देखो, आपने क्लासेस लिया होगा आईसीएसआई, जो फ्री ऑनलाइन क्लासेस चला रही है उसमें आईसीएसआई टेस्ट ले रही है, जिसका आज आखिरी दिन है। अगर आप ये टेस्ट में पास हो जाते हो तो आप प्री एग्जामिनेशन टेस्ट आपको देने की जरूरत नहीं है। अब मान लीजिए आप ग्रुप वन का टेस्ट दिए तो ग्रुप वन के आपको देने की जरूरत नहीं है, ग्रुप टू का दे दो ऐसे ग्रुप टू के देने की जरूरत नहीं है। बाकी अगर आप ये नहीं देना चाहते तो प्री एग्जामिनेशन टेस्ट आप दे सकते हो, 26 तारीख तक आप अपना काम कर सकते हो, ठीक है। प्री एग्जामिनेशन टेस्ट का मेल आना बहुत स्टूडेंट को स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। आपको शेड्यूल करना पड़ेगा और आपको फिर से जाना पड़ेगा। प्री एग्जामिनेशन टेस्ट में कोई फीस आपको नहीं देनी पड़ेगी, सारी फीस आपके रजिस्ट्रेशन के टाइम लग चुकी है, आपको पास करना पड़ेगा, फिर आप सी एस एग्जीक्यूटिव का या सी एस प्रोफेशनल का एग्जाम दे पाओगे। और एग्जाम फॉर्म के बारे में बात करें तो 25 तारीख की आखिरी तारीख है, 25 तारीख के बाद आप अपना एग्जाम फॉर्म भी फिल नहीं कर पाओगे, ठीक है, अगर आप लेट फीस नहीं देते हो तो। अगर आप लेट फीस का पेमेंट कर सकते हो तो आप 9 अप्रैल तक अपना एग्जाम फॉर्म फिल कर पाओगे, ठीक है। अच्छा, अब थोड़ी सी और अपडेट सुन लो ODOP के बारे में, मैं आपको बता रहा हूँ 25 तारीख तक आपको अपना ODOP कंप्लीट करना ही करना है, ठीक है। ODOP अगर आपने पहले कंप्लीट किया तो दोबारा मत करो, ऐसे ही प्री एग्जामिनेशन टेस्ट भी अगर आपने पहले कंप्लीट किया तो वापस से करने की आपको कोई भी जरूरत नहीं है। आईसीएसआई आपको सबको मेल सेंड कर रहा है ODOP प्री एग्जामिनेशन टेस्ट के रिगार्डिंग, फटाफट से जाओ और कंप्लीट कर लो, क्योंकि ये नहीं करोगे तो आप मेन एग्जाम नहीं दे पाओगे, ठीक है। अरे इसके बाद भी अगर आपको कोई अपडेट चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना। आपसे हम मिलेंगे अगले वीडियो में। बाय।